उत्तर प्रदेश तो बड़ी शानदार होने वाली वीडियो, इसमें कोई शक नहीं है कि जो योगी साहब ने बहुत ज्यादा तेजी के साथ काम किए हैं, चेंज हुआ है यूपी जिसे हम उत्तर प्रदेश कहते हैं। तो देखते हैं गौरव ठाकुर भाई की वीडियो, जानकारी के लिहाज से बहुत ज्यादा शानदार वीडियो होने वाली है, पहले आप भी देखिए हम भी देखते हैं, बाद में इस पर बात करते हैं। राम मंदिर के बनने पर कई लोगों का यह मानना है कि लोगों के हार्ड अर्न्ड मनी का एक कंप्लीट वेस्टेज है, इससे अच्छा अगर देश में हॉस्पिटल या स्कूल्स बना दे तो ज्यादा भला होता। बीमार पड़ोगे, अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे, भगवान को क्या चाहिए कि भाई खुश रहे, सुखी रहे। लेकिन क्या अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ऑफिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से राम मंदिर कुछ ही सालों में यूपी को 1,00,000 करोड़ कमा के देने वाला है, तो अब ये कैसे होगा? इस मंदिर को बनाना हमारे पैसों की बर्बादी थी या फिर एक मास्टर स्ट्रेटेजी? आज हम राम मंदिर के इकोनॉमिक्स को थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे और समझेंगे कि इसके पीछे माजरा क्या है, क्या ऑपोजिशन के दावे असल में सही है या फिर वो कोई बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं। सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। लेकिन राम मंदिर के अलावा भी क्या आप जानते हो उत्तर प्रदेश गुजरात जैसे टॉप इकोनॉमी को भी पीछे छोड़कर देश की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, और ये आज हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन है। पर जरा एक मिनट, आखिर ये पॉसिबल कैसे हुआ? यूपी की इमेज तो पिछले कुछ सालों पहले ही एक गरीब पिछड़ा हुआ और एक लॉलेस स्टेट की थी, उसे तो एक बीमारू जंगल राज वाला स्टेट कहा जाता था। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, 2012 तक तो यूपी सबसे गरीब स्टेटों में से भी सबसे गरीब स्टेट था। यहाँ तक कि स्टेट का सबसे पहला एक्सप्रेसवे भी 70 साल बाद बना। रोडवेज भी छोड़ो, यूपी की जीडीपी को ही 12,00,000 करोड़ पहुंचने में 70 साल लग गए। एंड माइंड यू, यूपी की ये जो जीरो से हीरो तक की जर्नी है सिर्फ और सिर्फ 6 सालों में हुई है। तो अचानक से आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ 6 सालों में यूपी ने अपने जीडीपी को ही डबल कर दिया? वेल फ्रेंड्स, इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करने पर हमारे सामने आए 4 बहुत ही इफेक्टिव पॉलिसीज, जिसमें से एक पॉलिसी तो इतनी सक्सेसफुल थी कि यूपी के बाद 3 से 4 स्टेट्स और अंत में सेंट्रल गवर्नमेंट तक उसे कॉपी करने लग गए। सो चलो यूपी के डेवलपमेंट और राम मंदिर के इकोनॉमिक्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी पॉलिसी की जिसके वजह से सिर्फ 6 सालों में यूपी के एक्सपोर्ट्स 250 गुना ज्यादा इंक्रीज हो गए। Yes, वही पॉलिसी है जो इतनी सक्सेसफुल हुई कि आज ये एक नेशनल फिनोमिनन बन चुकी है, जिसे कई स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र, उत्तराखंड, कश्मीर और सेंट्रल गवर्नमेंट तक कॉपी कर रही है। इस पॉलिसी का नाम है उड़ुप, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिसे योगी गवर्नमेंट ने 2018 में लॉन्च किया था। इस प्रोग्राम को लॉन्च करने के पीछे का बेसिक आइडिया था कि यूपी के लोकल प्रोडक्ट्स को ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलाया जाए, जैसे कि अवध यानी कि लखनऊ रीजन में कपड़ों पर होने वाली चिकनकारी और जरी वर्क, स्टेट के ईस्टर्न पार्ट में होने वाला राइस, काला नमक, और ऐसे ही 75 डिस्ट्रिक्ट्स में 75 प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई किए गए जिन्हें ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलाने का प्लान किया गया। अब ऑफ कोर्स इन सारे 75 प्रोडक्ट्स की बात एक वीडियो में करना तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आपको एक सिंपल से प्रोडक्ट काला नमक राइस के केस स्टडी से समझाता हूं, जिसने स्टेट के ईस्टर्न पार्ट की किस्मत ही हमेशा के लिए बदल दी। वैसे एक फन फैक्ट, काला नमक राइस को लेकर एक लेजेंड है कि ये राइस भगवान बुद्धा ने एज ए गिफ्ट इस रीजन के फार्मर्स को दिया था। अब अगर इस पॉलिसी के पहले की बात करें तो काला नमक फार्मर्स की कंडीशन बहुत ही खराब थी। 2018 में केवल 15 फार्मर्स काला नमक की फार्मिंग करते थे, क्योंकि उस टाइम राइस की मार्केट प्राइस केवल 40 रुपए प्रति किलो थी, यानी कि फार्मर्स को इस राइस से कुछ खास मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिल रहा था। लेकिन कैन यू बिलीव दिस, जस्ट विद इन 3 years काला नमक फार्मर्स का नंबर 15 से बढ़कर 700-800 हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ उड़ुप पॉलिसी। एक्चुअली जब काला नमक राइस को उड़ुप के अंदर सिलेक्ट किया गया, तब इसकी ग्लोबल डिमांड जनरेट करने के लिए 3 steps सोचे गए, जो एक्चुअली काफी यूनिक और क्रिएटिव थे। लेकिन उसके डिटेल्स में जाने से पहले आपने ये बात नोटिस की होगी कि सिर्फ यूपी नहीं बल्कि पूरे इंडिया भर में एक स्टार्टअप वेव आ गया है।
लेकिन अभी भी इंडियंस एक मेजर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इंडिया में कई बिजनेसेस के पास एक वेबसाइट तक नहीं होता, क्योंकि उनका मानना होता है कि एक वेबसाइट बनाना काफी एक्सपेंसिव और एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। और बस इसी प्रॉब्लम का वन स्टॉप सोल्यूशन है उडू, जो कि एक ERP प्लेटफॉर्म है, और ये है भी बहुत अफोर्डेबल, क्योंकि उडू आपको देता है एक साल के लिए एब्सोल्युटली फ्री कस्टम डोमेन विद अनलिमिटेड फ्री होस्टिंग, वो भी फुल सपोर्ट के साथ। So, चलो मेरा फेवरेट पार्ट, मैं उड़ू से आपको एक वेबसाइट बना के बताता हूं। So, सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें सिलेक्ट करनी है, जैसे वेबसाइट डिटेल्स, यहां सब ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करके कलर पैलेट चूज कर लिया, फिर पेजेस को चूज करने हैं और AI जनरेटेड 3 थीम्स में से एक अच्छी थीम भी सिलेक्ट कर ली। ये वेबसाइट कंप्लीटली कस्टमाइजेबल है, यानी कि आप अपने हिसाब से सब कुछ चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट कलर्स, इमेजेस भी, यहां तक कि कंप्लीटली न्यू और यूजफुल चीजें भी आप ऐड कर सकते हो इनके ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर की मदद से, कुछ इस तरह। जो भी आप चाहोगे सब कुछ कस्टमाइज हो जाएगा, और फिर चीयर्स, योर फ्री वेबसाइट इज रेडी, जो आपने बना लिया विद जीरो टेक नॉलेज। Yes, उडू genuinely एक ऑल इन ऑल बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जो किसी भी कंपनी के सारे नीड्स को कवर करता है, चाहे वो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो या फिर CRM, इनवॉइसिंग हो या मैन्युफैक्चर, ये सब कुछ आप इसी प्लेटफॉर्म से कर सकते हो, और इसमें से फर्स्ट ऐप आपको हमेशा फ्री मिलेगा। सो अगर आपको ये यूजफुल लगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उडू को जरूर चेकआउट करना। एंड नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम बात कर रहे थे कि कैसे केवल 3 सालों में काला नमक राइस प्रोड्यूसिंग फार्मर्स का नंबर 15 से बढ़कर 700-800 हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ 3 ओडोप पॉलिसीज, जिसमें से पहला स्टेप है रिकॉग्निशन। इसके लिए यूपी गवर्नमेंट ने 3 दिनों का काला नमक चावल महोत्सव लॉन्च किया, जिससे फार्मर्स और एक्सपोर्टर्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिले। इससे हुआ ये कि फार्मर्स को मार्केट की नॉलेज और एक्सपोर्टर्स को प्रोडक्ट की जानकारी मिली, जिससे फार्मर्स को मार्केट डिमांड के बारे में पता चला और एक्सपोर्टर्स को राइस की क्वालिटी के बारे में। और फिर ओडोप का दूसरा स्टेप था पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर फोकस करना। तो जैसे मैंने बताया कि राइस और गौतम बुद्ध का एक अच्छा कनेक्शन है, और ऑफ कोर्स गौतम बुद्ध का अपना एक ग्लोबल अपील भी, बस इसी अपील की ब्रांडिंग के लिए राइस की ऐसी पैकेजिंग की गई ताकि ग्लोबल ऑडियंस, स्पेशली सेंट्रल और साउथ एशियन कंज्यूमर्स को ये अट्रैक्ट करे। फिर ओडोप का थर्ड स्टेप था मार्केट रीच। अब इतनी सॉलिड पैकिंग और ब्रांडिंग के बाद जब प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई, तो राइस के ग्लोबल रीच को बढ़ाने के लिए अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स पोर्टल्स पर इसे अवेलेबल करवा दिया गया, जो कि पहले नहीं था। दिस स्ट्रेटजी वॉज वेरी सक्सेसफुल, क्योंकि काला नमक राइस सिंगापुर, UK और US जैसे कंट्रीज तक एक्सपोर्ट होने लगा, जिस वजह से इस राइस का प्रोडक्शन भी यूपी में आज काफी इंक्रीज हो गया। इसी सक्सेस को देखकर ही ओडोप स्ट्रेटजी को अब दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी अप्लाई किया जा रहा है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो अवध रीजन में मैन्युफैक्चर होने वाले जैगरी के लिए जैगरी फेस्टिवल, वाराणसी के टोमेटोस के लिए टोमेटो फेस्टिवल, और गोरखपुर के फार्मर्स के लिए गोल्डन स्वीट पोटेटो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का खुद का ये कहना है इसी एक स्ट्रेटजी की वजह से केवल 5 सालों में स्टेट का एक्सपोर्ट 250 गुना जंप हुआ है। लेकिन मेरे हिसाब से ना यूपी में रियल ग्रोथ ड्राइवर होगा उनका एक्सप्रेसवे नेटवर्क। मतलब आप मानोगे नहीं, लेकिन जहां पर 70 सालों में यूपी में सिर्फ एक एक्सप्रेसवे था, आज स्टेट में कंप्लीटेड और प्रपोज्ड 13 एक्सप्रेसवेज है, और ये हुआ है सिर्फ 6 सालों के दौरान। एक्चुअली में ये एक्सप्रेसवेज यूपी के लेस नोन रीजन को स्टेट कैपिटल और मेजर इंडस्ट्रियल सिटी से कनेक्ट करेगा, और इसी वजह से अब यूपी के पूरे स्टेट में एक्सप्रेसवेज का एक खतरनाक नेटवर्क बन रहा है। जैसे कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, जो लखनऊ और कानपुर को कनेक्ट कर रहा है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस आगरा और लखनऊ को कनेक्ट करेगी, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इटावा और चित्रकूट को कनेक्ट करेगी, और इसी तरह यमुना एक्सप्रेसवे, गोरखपुर एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे, सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, ये सभी एक्सप्रेसवेज मिलकर एक क्रांतिकारी नेटवर्क बना रहे हैं। इसके अलावा आज यूपी में वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स भी बन चुके हैं। इनफैक्ट ये इंफ्रास्ट्रक्चर इतना एडवांस है कि PM का प्लेन भी यूपी के रोड्स पर लैंड हो सकता है, और इस एक्सप्रेसवे पर एक एयर स्ट्रिप भी बनाया गया है, ताकि इस एयर स्ट्रिप के जरिए अगर कोई विमान आपातकालीन स्थिति में अगर वहां लैंड करना चाहता है या फिर वहां से वो टेक ऑफ करना चाहता है तो बहुत ही आसानी के साथ वो ये कर सकता है। और आज यूपी देश का वो सिंगल स्टेट है जहां पर 13 एक्सप्रेसवेज और 20 एयरपोर्ट्स हैं। अब यस, यही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स उडोप प्रोजेक्ट्स को भी बूस्ट करेंगे, क्योंकि इन्हीं एक्सप्रेसवेज की हेल्प से यूपी के रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स भी अब अपने प्रोडक्ट्स को मेजर सिटीज में भेज पाएंगे। जैसे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो स्टेट कैपिटल को ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर से कनेक्ट करेगा। मिंट के 2015 में पब्लिश्ड एक रिपोर्ट के अनुसार यूपी का ईस्टर्न रीजन सबसे बैकवर्ड रीजन में से एक है,
सो डेफिनेटली ये एक्सप्रेसवे इस ईस्ट वेस्ट के गैप को भी कम करने में काफी हेल्प करेगा। अब चलो डिटेल में डिस्कस करते हैं कि राम मंदिर एक सक्सेस है या कंप्लीट फेलियर। सो अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के हिसाब से मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान के बाद से ही वहां का डेली फुटफॉल 3 से 5 लाख यानी कि मंथली 1 करोड़ से भी ज्यादा होगा। अब जाहिर है जब लाखों में टूरिस्ट अयोध्या आएंगे तो कहीं ना कहीं रुकेंगे ही। इसी नीड को फुलफिल करने के लिए अयोध्या की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एक मेजर बूम दिख रहा है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के हिसाब से अयोध्या में 20,000 लोगों को प्राण प्रतिष्ठा होने के पहले ही रोजगार मिल चुका है। इवन अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी बड़े स्मार्टली अयोध्या के लोगों को एंटरप्रेन्योर्स बना रही है। बेसिकली उन्होंने होली अयोध्या नाम का एक ऐप डेवलप किया है जिसके थ्रू टूरिस्ट वहां के लोकल्स के होम स्टेज में रह सकते हैं। इसमें अब तक 500 फैमिलीज ने ऑलरेडी रजिस्टर भी करवा लिया है यानी कि अब तक 2,200 होम स्टेज अयोध्या रीजन में न्यूली डेवलप हो चुके हैं और उसी रीजन में स्टेज का कॉस्ट क्या ही पीक हो चुका है। आप खुद ही सोचो, CNBC की रिपोर्ट के हिसाब से 19 दिसंबर को अयोध्या में सिर्फ एक रात का होटल कॉस्ट 17,000 से 73,000 रुपीज तक जा रहा था। एंड दैट हैज लेड टू अ शार्प बूम इन अयोध्या'स हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, particularly hotels and homestays. Just imagine, इतना cost premium tourist destinations में भी शायद नहीं होता है। In fact, जो government की भी tent cities थी, जो सिर्फ tourist के लिए ही बनाई गई थी, वो भी fully booked चल रही है। So, मेरे कहने का मतलब है कि अयोध्या में अब demand काफी increase हो चुकी है। लोग पैसे खर्च करके भी वहाँ पर जाना चाहते हैं और इसीलिए आप देखोगे तो आज वहाँ पर ताज, रेडिसन, ITC जैसे इंटरनेशनल होटल चेन्स भी अपने मेगा प्रोजेक्ट्स यानी 100-120 रूम्स वाले बड़े लग्जरी होटल्स बना रहे हैं। अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि वहाँ पर ऐसे टोटल 73 मेगा होटल्स तो बनना भी स्टार्ट हो चुके हैं और उसमें से भी 40 तो ऑलरेडी ऑपरेशनल भी हो चुके हैं। ऑल्सो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, एक ऐसी बॉडी जो 8 करोड़ ट्रेडर्स का एक एसोसिएशन है, उनके प्रेडिक्शंस के हिसाब से तो राम मंदिर के वजह से अयोध्या में टोटल 1,00,000 करोड़ का बिजनेस जनरेट होने वाला है। अब जब इस जगह की डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर है इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो उसी हिसाब से बिल्ड करना होगा और इसीलिए अभी अयोध्या में 85,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है जिस पैसों से काफी सारे प्रोजेक्ट्स बिल्ड हो रहे हैं जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रेलवे प्लेटफॉर्म्स और हाईवेज जो भी वहां की इकोनॉमी को और बूस्ट देंगे। क्योंकि टेंपल टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जिसने ऑलरेडी उत्तर प्रदेश के GDP में एक मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है और टेंपल्स का लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करने में कितना पॉजिटिव इंपैक्ट होता है इसका बेस्ट एग्जांपल तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ही है। पीएम मोदी का एक खुद कहना है कि काशी विश्वनाथ टेंपल के रिनोवेशन के पहले 80,00,000 टूरिस्ट ही हर साल टेंपल आते थे लेकिन कॉरिडोर कंप्लीट होने के बाद से 7 करोड़ टूरिस्ट ने टेंपल विजिट किया है वो भी केवल 1 साल के अंदर। दरअसल रीडेवलपमेंट के पहले विश्वनाथ टेंपल के अराउंड नैरो स्ट्रीट्स के कारण टूरिस्ट इन जनरल स्पेशली सीनियर सिटीजंस और हैंडीकैप टूरिस्ट को काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी जो कि रीडेवलपमेंट के बाद चेंज हो गया और यही कारण है कि पिलग्रिम्स के नंबर्स में इतना ह्यूज जंप आया। जी न्यूज के अनुसार विश्वनाथ कॉरिडोर के कारण वाराणसी में टूरिज्म सेक्टर का ग्रोथ 5 गुना बढ़ चुका है। साल 2023 में पब्लिश्ड इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के हिसाब से काशी विश्वनाथ बनने के बाद से वहां पर आने वाले टूरिस्ट की संख्या इंडिया के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन यानी गोवा से भी 9 गुना ज्यादा हो गई। साल 2022 में गोवा में सिर्फ 85,00,000 टूरिस्ट ही गए थे बट उसी सेम ईयर काशी विजिट करने वाले टूरिस्ट की संख्या 7.2 करोड़ थी। जस्ट इमेजिन, सिर्फ एक मंदिर की वजह से इतना मैसिव इंपैक्ट। और बस इसीलिए यूपी के इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे टेंपल इकोनॉमी का भी एक बहुत बड़ा हाथ है जिस पर अभी स्पेसिफिकली काफी ज्यादा फोकस भी किया जा रहा है। स्टेट का काफी फोकस है रिलीजियस टूरिज्म और टेंपल इकोनॉमी को ग्रो करके स्टेट में मल्टीपल इकोसिस्टम्स डेवलप करने पर जिससे बाकी के सेक्टर्स इसकी टूरिज्म, मेडिकल, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का भी अपने आप ग्रोथ होगा। ओयो फाउंडर रितेश अग्रवाल ने हाल ही में रिवील किया कि आज गोवा और नैनीताल से 80% ज्यादा लोग ओयो पर अयोध्या सर्च कर रहे हैं। उनका कहना था कि देश में स्पिरिचुअलिटी टूरिज्म की वजह से अगले 5 सालों में पूरा टूरिज्म इकोसिस्टम काफी ज्यादा ग्रो होने वाला है। सो या इट्स अ फैसिनेटिंग फैक्ट कि एक टेंपल या स्पिरिचुअल सेंटर अपने अराउंड एक कितना बड़ा इकोसिस्टम जनरेट कर सकता है। टेंपल के आसपास टेंपल रिचुअल से जुड़े चीजों के लिए वेंडर्स, टूरिस्ट के लिए होटल्स, रेस्टोरेंट्स एटसेट्रा खुलने लगते हैं और फिर वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड होने लगता है जो लोकल इकोनॉमी के लिए एक बून बन जाता है। सो इसी चीज का ध्यान रखते हुए यूपी में ऐसे ही और दूसरे टेंपल कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं जैसे कि मिर्जापुर में विंध्यावासिनी,
मथुरा में वृंदावन और बरेली में नाथ सर्किट, जो भी लोकल इकोनॉमी को बूस्ट देंगे। एंड नाउ फाइनली कमिंग टू इन्वेस्टमेंट, इन यूनिक इकोनॉमिक पॉलिसीज और बेटर होते इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से यूपी को 2023 में 40 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स ऑलरेडी मिल चुके हैं और प्रेडिक्शन ये है कि इन ह्यूज इन्वेस्टमेंट से स्टेट के 1 करोड़ यूथ में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। दरअसल यूपी को ये इन्वेस्टमेंट उसके 2018 के रिपोर्ट कार्ड को देखते हुए मिला है। बात कुछ ऐसी है ना कि साल 2018 में यूपी को 4.8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल मिला था, जिसमें से 61% इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को यूपी गवर्नमेंट ने सिर्फ 5 सालों में इम्प्लीमेंट करवा दिया, यानी कि वो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट होने लग गए प्रैक्टिकली, जिससे स्टेट में करीब 4 लाख नए जॉब्स भी क्रिएट हो गए। सो हाई चांसेस है कि इसी से इन्वेस्टर्स को यूपी पे और ज्यादा कॉन्फिडेंस आया और उनके इन्वेस्टमेंट्स और भी ज्यादा इंक्रीज होने लगे। और मेरे हिसाब से तो इसमें एक मेजर रोल यूपी के स्टेबल लीडरशिप का है। क्या आप जानते हो योगी आदित्यनाथ यूपी के इतिहास के पहले सीएम है जिन्हें जनता ने 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के लिए इलेक्ट किया और उनके पॉलिसीज को भी अप्रूव किया है। स्टेबिलिटी ऑलवेज लीड्स टू प्रॉस्पेरिटी। इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट्स में शेयर करना। अब फ्रेंड्स, जैसे एक तरफ यूपी के प्रोडक्ट्स की डिमांड ग्लोबली बढ़ रही है, वैसे ही डू यू नो कि अब इंडियन टूरिस्ट की डिमांड भी ग्लोबल लेवल पर बढ़ रही है। इनफैक्ट फॉरेन कंट्रीज के बीच इंडियन टूरिस्ट को अपने देश में इन्वाइट करने के लिए काइंड ऑफ एक कॉम्पिटिशन शुरू हो चुका है कि कौन कितने पर्क्स और प्रिविलेजेस देकर इंडियन टूरिस्ट को अपने यहाँ पर अट्रैक्ट करे। और इसीलिए आज 58 कंट्रीज ने इंडियंस के लिए फ्री वीजा एंट्री अलाउ कर दिया। अब कंट्रीज के इस मोटिवेशन के पीछे आखिर इंस्पिरेशन क्या है और इस स्टेप का इंडिया के लिए क्या इंप्लीकेशन होने वाला है, ये मैंने डिटेल में इस वीडियो में कवर किया है। आई वुड हाईली सजेस्ट यू चेक इट आउट बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ अस इंडियंस एंड आर इंडियन पासपोर्ट स्ट्रेंथ एज वेल। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना और गौरव ठाकुर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो को आप मिस ना करो। और आप फ्रेंड्स, जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू चेक आउट उडो। ये एक बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो किसी भी कंपनी के सारे नीड्स को मीट करता है और इसमें से फर्स्ट ऐप आपको हमेशा के लिए फ्री मिलेगा। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस। तो ये दोस्तों वीडियो हो गई खत्म। वीडियो सबसे पहले भी क्रिएटर को ये जाना चाहिए, गौरव भाई की भी इसमें अप्रिसिएशन होनी चाहिए कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सर्च की, सर्च करने के बाद बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया और हमें बहुत सारी जानकारी इस वीडियो से मिली, जो कि सारी के सारे क्रेडिट जाता है अपना गौरव ठाकुर भाई को। अच्छा, आप बात करते हैं यूपी पर। हमने वीडियो के शुरू में बयान आज सुने लोगों के कि भाई मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनवा देते, कॉलेज बनवा देते, यूनिवर्सिटी बनवा देते या कोई और गरीबों में ये पैसे बांट देते। हालांकि एक वीडियो में हमने देखा था, सुना था कि ये जो बना अपना अयोध्या राम मंदिर, इसमें ना ही कोई गवर्नमेंट का 1 रुपया लगा है और ना ही कि लोगों का 1 रुपया लगा। वो कैसे? लोगों ने 36,000 करोड़ लोगों ने अपनी जेबों से दिए हैं, यानी कि खुशी में डोनेट किए हैं। मतलब किसी की जोर जबरदस्ती नहीं थी, किसी को मजबूर नहीं किया गया, किसी से मांगे नहीं गए, उन्होंने अपनी खुशी से 36,000 करोड़, अगर मगर 3600 करोड़ है या 36,000 करोड़ है, सॉरी 100 करोड़ 3600 करोड़ मेरे ख्याल में, चले सॉरी अगर गलत हो गया, तो उन्होंने अपने पास से दे दिए और उस वो पैसे भी वैसे के वैसे पड़े हैं। वो स्ट्रेटजी क्या अपनाई उस कमेटी ने जो अयोध्या मंदिर की थी, उन्होंने क्या किया, जो बैंक में पड़े हुए पैसे उनसे इंटरेस्ट मिला उससे ये राम मंदिर जो है ना, लोगों का पैसे वैसे भी, लोगों का इतराज तो भाई नहीं बढ़ रहा, एक तीस दोष का दोषकार हो गए, पैसा भी बच गया और मंदिर भी बढ़ बन गया। वो सिर्फ वैसे ही कुबे पड़ा पैसा वो इंडिया का, सोचो अरे आवाम की मोहब्बत है ना, जो मंदिर के बारे में जानते हैं, जो इबादत करेंगे, जिनको ये बड़ी देर बाद एक मुद्दत बाद देखना नसीब हो रहा है, उनके लिए बहुत बड़ी बात है, उनकी ये मदद की वजह से बढ़ रहा है। बिल्कुल भाई, मैंने ये सुना है एक वीडियो में कि 2025 तक इंडिया जो है ना इससे 2500 करोड़ जो है ना जनरेट करेगा एक साल के अंदर। एक साल के अंदर वो बता के। अच्छा, हो भी सकता है आप योगी आदित्यनाथ साहब की पुलिस के बारे में बात की, जारी बात थोड़ी सी वीडियो टिपिकल इसलिए आ सकती, डाटा पर मुनसर थी, स्टैटिक्स पर मुनसर थी, हम मोटी मोटी बातें करेंगे जो हमें समझ आए। एक उन्होंने बात की काला राइस चावल, ये चावल ब्लैक कलर के होंगे ना उनके चावल, उनकी मार्केटिंग किस तरह बढ़ाई गई, फिर चेक करें स्ट्रेटजीज। वो कह रहे हैं 250 गुना बड़ी एक्सपोर्ट यूपी की पिछले 5 सालों में, 250 गुना टोटल एक्सपोर्ट है
टोटल एक्सपोर्ट 250 गुना यूपी की पॉलिसीज ऐसी अपनाई है जिसकी वजह से पिछले 5 सालों में इतनी ज्यादा जो है ना बड़ी ये होता है किसी कह लें के किसी जो शहर को या किसी कंट्री को उठाने के लिए पॉलिसीज जो अपनाई जाती है वो ये है। यूपी कौन सा है छोटा, मेरे ख्याल से हमारे मुल्क जितना तो यूपी है, तो उसकी इकॉनमी हमारे मुल्क से सबसे ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, हमारी भी इकॉनमी है ही कोई ना यार। बिल्कुल, हमारे ये जो है ना योगी आदित्यनाथ, इसने कमाल का ये यार बल्डोजर बाबा, बट जो भी कह रहे इसकी तरीफ वो एक लक्ष्मी जी का बल्डोजर बाबा यार, ये है भी खुलेआम सबको कहता है कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा उनके खिलाफ उसने कहा है। तो मैं कहता हूँ हमारे मुल्क में भी इस तरह जो आवाम को नुकसान पहुंचाएगा, जो अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा मुल्क के खिलाफ बोलेगा, उनको इस तरह होना चाहिए उनके खिलाफ। जो मुल्क वाले मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे थे उसका हल क्या होगा? तो मैं भी तो उनकी बात कर रहा हूँ, उनकी भी सजा फिर होनी चाहिए, उनके लिए भी कानून के दायरे होने चाहिए। फिर बात की उन्होंने 75 प्रोडक्ट्स हैं यूपी की, उन्होंने बाकी जो मतलब इंटरनेशनल तौर पर चल रही है ये ग्लोबलाइजेशन उनको मिला, तो पहले उन्होंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई कि हमारी जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको ग्लोबलाइज या इंटरनेशनल तौर पर माना जाए और उसकी जनरलाइज करवाया, रिकॉग्निशन का स्टेप आया, उसके बाद मार्केटिंग मार्केटिंग रीच आया, मतलब बहुत से स्टेप स्ट्रेटजी जो अपनाई यूपी की। और इस यूपी या जो योगी आदित्यनाथ की जो पुलिस को बाकी स्टेट्स ने भी जो है ना माना है और दाद दी है पूरे इंडिया से मिली है कि दुनिया की और सॉरी इंडिया की दूसरी बड़ी कॉमी बन गया यूपी से कर, और कह रहे हैं कि 2030 तक बताया जा रहा है या 2027 तक इंडिया की सबसे नंबर वन पर स्टेट बताया कि इससे पहले ये बिल्कुल लाल था जिस पे जहाँ पे कानून नहीं था, कह रहे कि एक बैकवर्ड एरिया था, इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं की थी इसने, सबसे ज्यादा यही कर रहा है जिसकी वजह क्या है कि पुलिस पुलिस अच्छे अपनाए गए सबसे बड़ी वजह है लॉ। हाँ लॉ, तो दूसरी बात ये कि जो बंदा सीएम बना है ना, ये दूसरी बार बना है योगी, ये दूसरी बार सीएम बना है, इसके आने से जरा सारा कुछ लोगों का इत्माद जीता है, वो खुद स्ट्रांग है और आवाम को अपने इदारों को अपने इत्माद में लिया हुआ है, उनको बोला हुआ है कि वो काम करना है जो मुल्क और यूपी के हक में हो, जो आवाम के हक में हो वो काम करना है। तो और आवाम ने उसके ऊपर इत्माद किया, दूसरी बार भी सीएम बने और उन्होंने जो वादे किए वो करके दिखा रहे हैं। यूपी बहुत ज्यादा, सिर्फ यूपी बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है। और भाई मैंने देखा है सीएम योगी आदित्यनाथ के दर से लोगों के पतलूने गिली हो गई है। हाँ, मैंने वीडियो देखी पुलिस वाले और सॉरी जो बंदे थे डाकू या चोर या इस तरह के, वो खुद खुद आके पुलिस के अंदर थाने में कपड़ी कंप्लेन दिखा रहे थे। तो इस वजह से इन्वेस्टमेंट आई है ना, आ रहे ना, जब इन्वेस्टर को पता होगा कि हमारा पैसा डूबेगा नहीं, हमें सेफ्टी भी है, तमाम होगा तो इन्वेस्टमेंट आएगी, जहाँ पे पीस होगा अमन होगा सुकून होगा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट, मैं अब जहाँ पे हालात ठीक ना वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते लोग, कोई कमाल बंदे है जो खतरे वाली जगह पे इन्वेस्ट करेगा। हाँ, जैसे हमारा मुल्क है क्यों नहीं बंदा इन्वेस्ट करता, क्यों सपोर्ट इशू है, पता है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इसने जो ठोका था ना असद और अतीक को, अतीक जो था ना उसकी वजह से लोगों का दिमाग बहाल हो गया कि वो बाकी गुंडा था, सबको तंग करता था। अजय एक डूबे भी था, अक्सर लोग जो है पाकिस्तान के अंदर इन पर आवाज उठाते हैं कि भाई वो सिर्फ मुसलमानों को, उन्होंने फिर वीडियो लोगों ने मुझे सेंड की कि कितने हिंदू ऐसे गैंगस्टर हैं जिनको इसने ठोको, कितने हिंदुओं ने आकर थानों के अंदर सरेंडर किया। मेरे पास खुद वीडियो आए थे सरेंडर करते हुए, जो बड़े बड़े उधर के बने हुए थे ना प्रधान, बड़े बड़े डाकू बने हुए, उन्हें खुद थानों के अंदर ऐसे अच्छे कहा कि भाई हमें बचा लो, हम आपकी सेफ्टी में आते हैं, हम आज से हाथ हमारे खत हम नहीं आज के बाद। तो ये इस तरह स्ट्रेटजीज बनाई है, सख्ती की है, लॉग को उधर लेकर आए जिनकी वजह से आज इन्वेस्टर आ रहे हैं। जहाँ पे लॉ मेंटेन किया जाता वहाँ पे ऐसी सूरत हाल होती है, जो इन्वेस्टर है हाँ जी बिला खौफ वहाँ पे इन्वेस्ट, उनका एक बार बाहर किया गया ना भाई, ये यूरोपियन जो यूरोपियन कंट्री है उनमें क्यों नहीं वहाँ पर गुंडे होते, क्योंकि वहाँ पर कानून की पासदारी होती है, वहाँ पर गुंडे नहीं होते, लोग क्यों जा रहे हैं, ये भी कानून की पासदारी। बिल्कुल, ये वो मैं बात कर रहा हूँ कि इन्होंने किया, उस वक्त यूपी क्यों नहीं ग्रो कर रहा था, क्यों आपको इतने इत्माद नहीं था अपने उस वक्त के सीएम पे, वो भी तो सीएम ही थे, वो भी सीएम उस वक्त, वो ग्रो यूपी क्यों नहीं कर रहा था वो बता भी रहे थे, जितनी जानती मिसाल आपके सामने है। गौरव ठाकुर कह रहे थे कि 2012 तक यूपी को सबसे
में गरीब तरीन स्टेट समझा जाता है इतनी बड़ी स्टेट को। तो देख लो उसके बाद ऐसी किस्म चमकी जहाज इंडिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी है, इंडिया की दूसरी बड़ी स्टेट है जिसकी इकॉनमी तगड़ी है और कह रहे हैं नंबर वन पर चले जाएंगे एक दो चार राम मंदिर बनने की वजह से और बढ़ेगा तेजी आ जाएगी। अब तो जिस तरह यूं कह रहे हैं कि एक गाड़ी जा रही है ना उसका एक इंजन चल रहा है अगर उसका दूसरा इंजन भी चला दे तो वो कितनी बूस्ट पकड़ता है। अब तो इसी तरह हो गया, अब तो ये दूसरा इंजन लग गया है, ये जो राम मंदिर आया ना ये दूसरा इंजन है, इससे बहुत ज़्यादा और ज़्यादा डेवलपमेंट आएगी। वो बता भी रहे थे किधर बहुत ज़्यादा लोग दुकानें बनाएंगे, स्टॉल्स लगाएंगे, होटल्स बनेंगे, और जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो ज्यादा इंप्रूव होगा, इससे बहुत ज्यादा आपके रोजगार होगा। लिंक बनाया है मतलब है कि उनकी रोजगार बहुत सारा काम का लग जाएगा और तेजी मिलनी शुरू हो जाएगी। आप कितनी आसमान 900% बता रहे प्रशासन की 900% बड़ी है जो प्राप्ति उधर की जो जब से राम मंदिर बना है। इससे और आप आगे देखने का मजेदार थी यार सारी की सारी वीडियो, और इसमें कोई शक नहीं है कि सीएम योगी रिटर्न आदि के आने के बाद ये यूपी को चार चांद लाते हैं। और लास्ट में सॉरी गलत है थोड़ा सा, गौरव ठाकुर साहब जो नहीं का जो अंदाज है ना बताने का वो बड़ा क्या बात है जी सर। मिलता है नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।